अर्न विथ ट्रेड में आप सभी लोग का वेलकम है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अल्ट कॉइन के ऊपर। बेसिकली जितने भी अल्ट कॉइन है सभी का मार्केट डाउन क्यों है और यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस अप क्यों है और अभी आने वाले सेक्शन में क्या हो सकता है, क्या अल्ट कॉइन कितना समय लेंगे अभी और अपने मोमेंट्स को बढ़ाने के लिए। जैसे कि मैंने एक पिछला वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था सोलाना के ऊपर, उस पर मैंने आपको एक पॉइंट्स भी वहाँ पर बताया था कि सोलाना हो सके अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो सोलाना डाउन की तरफ आएगा, जिसमें से सोलाना डाउन पे आया भी लगभग $150 तक, लेकिन अभी सोलाना 153-150 इतने के बीच में ही ट्रेंड कर रहा है। यानी कि ये मौका है खरीदने का, लेकिन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर उसका भी चार्ट बताऊंगा कि किस पोजीशन पे हमें बाय करना है सोलाना को। बट यहाँ पे हम एक छोटा सा एनालाइज कर लेते हैं कि क्या अब बिटकॉइन और भी हाई बना सकता है या तो फिर अब हम अल्ट कॉइन के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको ओनली फ्रॉम चार्ट देख के एक एनालाइज बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको अपना रिसर्च खुद से भी करना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको लॉस एंड प्रॉफिट दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे आप अपना जो भी एडवाइस है मैं यहाँ ओनली आपको बताऊँगा कि कैसे क्या हो सकता है, लेकिन आपको अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो डिपेंड्स आपके ऊपर करता है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा अल्ट कॉइन डाउन इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे BTC पंप है, यानी कि लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है अल्ट कॉइन से निकाल के मोस्टली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर और देन साथ ही साथ सिबा के अंदर भी कर रहे हैं, जिसके वजह से ऑल अल्ट कॉइन का मार्केट एकदम डाउन है। और यहीं पे मार्केट अगर हम देखा जाए तो सिबा का और बिटकॉइन का मार्केट हाई पे हाई कंटिन्यू क्रिएट होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक यहाँ पे देखें 4 हॉर्स के कैंडल्स को, तो जिसमें से बिटकॉइन का एक रेड कैंडल बन चुका है 4 हॉर्स में। आप यहाँ पे देख सकते हो 4 आवर्स का चार्ट है जिसमें से एक रेड कैंडल बन चुका है, लेकिन जैसे ये 2 से 3 कैंडल अगर रेड बनता है तो समझ जाइए आपका अब वहाँ से अल्ट कॉइन पंप करना स्टार्ट करेगा, यानी कि बिटकॉइन में से पैसे निकल के सभी लोग अल्ट कॉइन के अंदर पैसे डालेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक काम करके रखना होगा, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मोर देन अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा कि अल्ट कॉइन जैसे ही पंप करना स्टार्ट होगा कि आप एक अच्छा एंट्री पॉइंट लेके और एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ से बुक करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जो भी वीडियो रहेगा मैं आपको वीडियो भी बना के प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हम चलते हैं यहां पे सोलाना के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे हम सोलाना के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे आप 4 हॉर्स के कैंडल को देख सकते हो, जहां पे इसको एक सपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सपोर्ट इसको यहाँ पे मिल रहा है जो कि एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉप करके रखा हूँ, जिसको एक सपोर्ट यहाँ पे इसको मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट को भी ये होल्डिंग कर पाएगा। बट यहाँ से ये ब्रेक लेगा तो $146 तक आपको एक बाइंग पोजीशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिल सकता है। चाहिए तो आप इसको फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो या तो फिर आप नॉर्मली स्पॉट में भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है 146 का और उसके बाद दूसरा सपोर्ट है 129 का, लेकिन मेरे हिसाब से 129 के सपोर्ट को तो नहीं टच कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर ये 146 को बहुत ही आसानी से टच कर सकता है, या फिर आप यहां पे अपने पोर्टफोलियो का कुछ कुछ परसेंटेज को भी मैनेज करके अमाउंट्स को लगा सकते हो। क्योंकि यहां पे आप नोट करिए 4 घंटे के चार्ट जो है कंटिन्यू रेड लाइन की तरफ जा रहे हैं, बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे बिटकॉइन डाउन होना स्टार्ट होगा ये अल्ट्स कॉइन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आप सोल के अंदर एक अच्छा एंट्री लेके, यानी कि अगर आपको 146-147-8 तक भी अगर आपको मिलता है सोल, तो आप एक अच्छा एंट्री लेके ऑल टाइम इनका जो हाई है 216 के आसपास है, उस हाई को ये कन्फर्म इस बार ब्रेक करेगा और एक अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ से गेन कर पाओगे। अभी हम चलते हैं यहाँ पे इसके 1 हॉर्स के चार्ट के ऊपर और वहाँ से भी हम इसको समझेंगे। तो 1 हॉर्स के चार्ट के ऊपर दोस्तों कंटिन्यू यहाँ पे रेड लाइन बनती हुई आ रही है। आप अगर आप मार्केट को यहाँ पे नोट करते हो तो कंटिन्यू रेड लाइन बनते हुए आ रहा है, लेकिन देन यहाँ पे एक सपोर्ट इसको दिया गया है यहाँ पे 149 का 1 हॉर्स के चार्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमें एंट्री कब लेना है कि जब हमारा 4 घंटे के जो चार्ट है
चार घंटे के चार्ट हमें एक ग्रीन सिग्नल दिखाई दे तो हमें एक समझ में आ जाएगा कि हाँ बिटकॉइन अब डाउन होना स्टार्ट हो चुका है और अल्ट कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट हो चुका है, तब हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे। लेकिन इसके लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसका भी मैं अपडेट्स आपको वहाँ पे बहुत ही कम समय में प्रोवाइड करूँगा, जहाँ पर आप एक अच्छा एंट्री लेके और एग्जिट मोड अपने हिसाब से बना सकते हो, या तो मैं पूरा टारगेट्स आपको सेट करके भी वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला टारगेट इसका $162 का है, दूसरा टारगेट इसका जो है $173 का, लेकिन उसके ऊपर का जो टारगेट है आपको यहाँ पे फोर हॉर्स के कैंडल्स में आई थिंक सो यहाँ पे नजर आएगा, जहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर हम वन डे के कैंडल्स को यहाँ पे देखें लगभग दोस्तों यहाँ पे जो इसका ऑल टाइम हाई है यहाँ पे $200 के जरा सा अबाउ में है, जहाँ पे अगर हम नोट करें तो ये कंफर्म $216 के आसपास में इसका ऑल टाइम हाई है, जिसको ये ब्रेक बहुत ही आसानी से करेगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो एंट्री पॉइंट होना चाहिए 146, एक इतना आप पकड़ लीजिए, वहीं पे एक अच्छा इसको सपोर्ट मिला हुआ है, वहाँ से हो सके सोलाना बहुत ही एक अच्छा बूम करना स्टार्ट करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अभी हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैं आपको काफ़ी सिबा के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और भी जो अल्टकॉइन है क्या क्या मार्केट के अंदर पंप होने वाले हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यहाँ के लिए बस इतना ही।